Hello and welcome to Digital Tech Soul. My name is Faisal Mazhar. So viewers, आज का हमारा टॉपिक है how to redirect main domain into another domain using cPanel. एक main domain है, उसको मैं एक और domain पे redirect करूँगा using cPanel. cPanel के through इसको हम देखेंगे. मैं सबसे पहले आपको दो websites दिखा देता हूँ. ये देखिए, एक वेबसाइट है aurora81.com के नाम से, ठीक है. इसका डिज़ाइन और इसका फंक्शनैलिटी सारा कुछ जो है ना वो सेम है. आगे एक और वेबसाइट है aurorapakistan.com के नाम से, ठीक है. इसका डिज़ाइन और इसका ये सारा कुछ सेम है. अब ये एक ही कंपनी की दो वेबसाइट्स हैं, ठीक है. अब aurora81 को मैं चाह रहा हूँ कि aurora81 को मैं कन्वर्ट करूँ तो aurorapakistan.com ओपन हो जाए, ठीक है. अब ये रिडायरेक्शन करनी है हमने इसी पैनल के थ्रू. अब इस चीज़ को हम चेक करते हैं. आइए इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं. ये देखें, ये aurora81 का मैं सी पैनल पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ. लॉगिन करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे डोमेन के सेक्शन पे. डोमेन के सेक्शन पे आएंगे तो आपने डोमेन्स पे क्लिक करना है. डोमेन्स पे क्लिक करने के बाद ये देखें, aurora81 जो है ना, ये आपको शो हो रही है इसकी डोमेन का नाम यहाँ पे, ठीक है. ये मेन डोमेन है. मेन डोमेन को हमने एक और डोमेन पे रिडायरेक्ट करवाना है. तो यहाँ से जो है ना, ये रिडायरेक्शन अभी नहीं हुई हुई, तो आपने यहाँ पे मैनेज पे क्लिक कर लेना है. मैनेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आपको आ रहा है मॉडिफाइड रिडायरेक्ट्स, इस पर आपने क्लिक कर लेना है. इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने सबसे पहले वो टाइप पूछ रहा है कि आपने रिडायरेक्ट टेम्परेरी करना है या परमानेंट करना है. तो मैंने परमानेंट करना है तो मैं यहाँ पे इसको परमानेंट सेलेक्ट करूँगा. उसके बाद ये पूछ रहा है आपकी डोमेन का नाम, तो मेरी डोमेन का नाम है aurora81.com. उसके बाद कह रहा है कि aurora81 को आपने रिडायरेक्ट कहाँ करना है. तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने रिडायरेक्ट करना है aurora पाकिस्तान पे, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ aurora पाकिस्तान पे. अब यहाँ पे आप समझें कि ये कह रहे हैं कि परमानेंट रिडायरेक्शन करवा रहा हूँ मैं aurora81 को aurora पाकिस्तान पे. उसके नीचे पूछ रहा है कि विद www और विदाउट www. मैं कह रहा हूँ कि दोनों के थ्रू करें. अगर कभी कोई यूज़र जो है वो www लिख के सर्च करते हैं तो तब भी रिडायरेक्शन करवा दे, और कोई यूज़र जो है ना ऐसे ही बगैर विदाउट www सर्च करते हैं तब भी रिडायरेक्ट करवा दे. तो मैं इसको चेक करूँगा और उसके बाद मैं इसको ऐड कर दूँगा. जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये देखें, ग्रीन सी एक पट्टी शो हो रही है आपको. इसका मतलब है ये रिडायरेक्शन सक्सेसफुली हो चुकी है. अगर आप स्क्रॉल बैक करके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको नीचे शो हो रही है aurora81.com चल रही है. मैं आपको नेक्स्ट ब्राउजर पे जो है ना ओपन करके दिखाता हूँ पहले. यहाँ पे आप देखिएगा, ये डोमेन जो है ना यहाँ पे चेंज होगी अभी. ये देखे, ये जो aurora पाकिस्तान पे जो है ना ये कन्वर्ट हो चुकी है. मैं अब किसी और ब्राउज़र में भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ. यहाँ से मैं ये दोनों को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा सर्च करता हूँ aurora81. aurora81.com. अब ये देखिएगा, ये रिडायरेक्ट हो गई है. देखिए, ये रिडायरेक्ट हो गई है aurora पाकिस्तान पे. अब जो है ना, एक ही डिज़ाइन, एक ही थीम दोनों वेबसाइट पे था. अब कोई यूज़र जो है ना aurora81 खोलता तो बड़ा अजीब लगता, पाकिस्तान खोलता तो भी अजीब लगता. तो इसको मैंने aurora81 को जो है ना कन्वर्ट कर दिया. इस तरीके से आप किसी भी क्लाइंट की या अपनी कोई वेबसाइट्स हो उसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहें, रिडायरेक्ट करना चाहें आप किसी और डोमेन पे, तो आप ईजीली कर सकते हैं. ये थी आज की वीडियो. अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.